टीवी 9 भारतवर्ष आपके लिए लेकर आ रहा है ओपिनियन पोल, सबसे सटीक ओपिनियन पोल। और इस ओपिनियन पोल में 543 सीटें जो लोकसभा की हैं, इसके आधार पर रवि ये देखने को मिलेगा कि क्या सर्वे सैंपल्स हैं और क्या हर एक सीट का सैंपल है। निधि, और देखिए हम इसको कह रहे हैं गारंटी पोल, ओपिनियन गारंटी पोल। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर सीट का जो एक सटीक ओपिनियन है और उसके ओपिनियन के सर्वे के जो रिजल्ट्स हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो अपने आप में चुनाव के पहले हर सीट पर कैसा मूड है पब्लिक का, इस सर्वे में आपको पता चलेगा। और हमारा ओपिनियन पोल सबसे अलग और बेहद खास है, ये कैसे वो भी हम आपको जल्दी से बिग बॉल के माध्यम से बताते हैं। तो देखिए टीवी 9 की गारंटी सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है ये। तो सबसे बड़े ओपिनियन पोल में जो बड़ी बातें वो बता रहे हैं, सबसे बड़ा सैंपल साइज होगा, 20 लाख से अधिक के सैंपल साइज लिए गए। अब देखिए सैंपल साइज कितना बड़ा है, पीपल्स इनसाइट पोल स्टार्ट और टीवी 9 का सबसे बड़ा ये ओपिनियन पोल है। देश की सभी 543 सीटों का ये ओपिनियन पोल है और एक लोकसभा सीट के अंदर सभी विधानसभा के आंकड़े भी मौजूद रहेंगे। ये बहुत दिलचस्प होगा आपके लिए। तो हर वर्ग के सैंपल साइज को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो एक बड़ा और इंक्लूसिव सैंपल साइज है जो ओपिनियन पोल के रूप में टीवी 9 भारतवर्ष आपके सामने रखने जा रहा है। और बड़ी खबर बता दें, 5 घंटे बाद चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने जा रहा है। दोपहर 3 बजे वो वक्त है जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 6 से 7 चरणों में 6 to 7 phases में मतदान हो सकता है। 18 से 20 अप्रैल के बीच पहले चरण की वोटिंग हो सकती है। और उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें क्या खास होने वाला है। आज दोपहर 12 बजे क्या खास होगा, देखिए आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का नक्शा। ओपिनियन पोल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी में चौंकाने वाले नतीजे हो सकते हैं। एसपी कांग्रेस गठबंधन से जाटलैंड में क्या असर पड़ा, ये भी बताने की कोशिश होगी। बिल्कुल, ओपिनियन पोल में बागपत के नतीजे हैरान करने वाले होंगे आपके सामने जब वो नतीजे आएंगे। बागपत के पूर्वांचल के आजमगढ़ के वोटर बड़ा खेल करने वाले, आजमगढ़ पर तो बहुत ही ज्यादा नजर है, सबसे हॉट सीट है उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ की। तो इस तरह से आज के ओपिनियन पोल में बहुत सारी खास बातें होने वाली हैं। आप जरूर हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि एक एक सीट को लेकर हम आपके सामने चौंकाने वाले सर्वे के चौंकाने वाले नतीजे रखने वाले हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर रणजीत कुमार मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, नवीन गौड़ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी, देखिए चुनावों का ऐलान जो है, तारीखों का ऐलान होने वाला है, एक तो ये आज की बड़ी खबर है और दूसरी खबर यह है कि टीवी 9 भारतवर्ष एक बहुत बड़े सैंपल साइज से ओपिनियन पोल रखने वाला है चुनावों को लेकर के पब्लिक का मूड क्या है, पार्टी का मूड क्या है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मूड क्या है। लोकतंत्र का उत्सव मानते हैं और ये उत्सव की शुरुआत हो रही है। हम बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ, बहुत उत्साह, जोश और जुनून से भरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी तैयार है, भारतीय जनता पार्टी तैयार है, हमें लगता है उत्तर अब देश की जनता भी तैयार है। और आज आप ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर प्रदेश की जनता आज राजस्थान की राह पर चलने के लिए तैयार है, गुजरात की राह पर चलने के लिए तैयार है, हिमाचल और दिल्ली की राह पर चलने के लिए तैयार है। हम आज उत्तराखंड की राह पर चलना चाहते हैं जहां 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती है। उत्तर प्रदेश भी इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना चाह रही है कि 100% सीटें जैसे इन राज्यों के जिनके मैंने नाम गिनाए यहाँ भाजपा जीतती है, वैसे ही 80 की 80 सीटें यहाँ जीते। और ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विपक्ष की जल गई है एकता की रस्सी, भाजपा यूपी में जीतेगी 80 में 80। बड़ी बात कह दी राकेश जी आपने कि विपक्ष की एकता की जो रस्सी है वो जल गई है और भाजपा इस बार 80 से 80 सीटें जीत रही है। राजकुमार भाटी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो गठबंधन आपने किया था 2019 में, राजकुमार भाटी जी से संपर्क टूटा है। प्रोफेसर रणजीत कुमार मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रणजीत कुमार मिश्रा जी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा विफल रही और जो नतीजे आए थे वो ऐसे रहे कि कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट तक नहीं बचा पाई। देखिए चुनाव तारीखों का ऐलान होगा और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, पूरे दमखम से हम चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से इन्होंने पिछले 10 वर्ष में अलग अलग वादे किए, चाहे किसानों के साथ किए गए वादे हों, युवाओं के साथ किए गए वादे हों, महिलाओं के साथ किए गए वादे हों,
एक को भी इन्होंने पूरा नहीं किया, भले ही ये गारंटी और देखिए, लेकिन आज इनकी आप अपनी बात पूरी करिएगा। एक बड़ा अपडेट आप सबको भी बता दें, आप हमारे तमाम मेहमानों को भी बता दें कि देखिए कोर्ट से केजरीवाल को बेल मिल गई है, जमानत मिल गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से मिली है जमानत। ये है बड़ी खबर इस वक्त की। थोड़ी देर पहले ही वो कोर्ट में पहुंचे थे और राउल्स एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे थे, और अभी जो खबर आ रही है बड़ा अपडेट कि राउल्स एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में। तो जहां पेशी को लेकर लगातार अब प्रयास चल रहा था कि अरविंद केजरीवाल पेश हो, ईडी की तरफ से लगातार नोटिसेस भेजे जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल इन नोटिसेस को इस बिना पर खारिज कर रहे थे कि राजनीति से प्रेरित है, तो आखिरकार कोर्ट की तरफ से उन्हें बुलाया गया। और इस मामले में अब देखिए जो बड़ा अपडेट है वो ये कि राउल्स एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिल गई है जमानत। अब केजरीवाल कोर्ट से वापस लौट रहे हैं, तो ये खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 15,000 के मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है राउल्स एवेन्यू कोर्ट से, अपने आप में एक बड़ी खबर है। और ये खबर इस दिन उस दिन आई है जिस दिन चुनावों का ऐलान भी होने वाला है, और दिल्ली के चुनाव तो खास करके बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होते जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक गठबंधन भी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता से हमारा सवाल था, वो कुछ कह रहे थे, एक बार फिर से हम उन्हीं के पास चलेंगे। रणजीत जी, अपनी बात पूरी करिए। रवि जी, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है जी। और इस बार हमें उम्मीद है कि जनता जो वास्तविक मुद्दे हैं देश के सामने उस पर मतदान करेगी, जैसे किसानों का मुद्दा है, एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर वो लगातार सड़कों पर है और उनके लिए ये सड़कों पर कील बिछाते हैं, उनके लिए बैरिकेड्स लगाते हैं, ऐसे लगता है जैसे वो अपने देश के नागरिक नहीं है। महिलाओं के साथ आपने देखा होगा कि हमारी बेटियों को, जो चैंपियन बेटियां थी, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के आगे अपने मेडल्स फेंक कर आने पड़े। युवा किस तरह से बेरोजगारी की दर है, 45 वर्षों में सर्वाधिक बेरोजगारी है। किसानों की, अन्नदाताओं की आवाज उठाते थे रालोद, उनको तो आप जोड़ नहीं पाए यूपी में, उत्तर प्रदेश में। पिछली बार तो साथ में लड़ा था आपने चुनाव। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी साहब भी हमारे साथ हैं। राजकुमार भाटी साहब, 2019 में एक प्रयोग किया गया था बुआ बबुआ का, वो गठबंधन फेल हुआ, उसमें कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। अब आरएलडी भी आपके साथ नहीं है, आजमगढ़ को भी लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न है और बागपत को। TV9 भारतवर्ष का ओपिनियन पोल आज आ रहा है 12 बजे, जिसमें संकेत ये है कि यहाँ पर काफी मुश्किलें आ सकती हैं आजमगढ़ में, बागपत में समाजवादी पार्टी को। देखिए, पहली बात तो 2019 का प्रयोग विफल नहीं रहा था। 2019 में हम भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी सीटें कम करने में कामयाब हुए थे, और हर चुनाव में जब भी चुनाव होता है नए प्रयोग होते रहते हैं, नए मुद्दे आते रहते हैं जनता के बीच में। सरकार की विफलताओं को लेकर विपक्ष जाता है, सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर जाती है। ये लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है और अनिवार्य है और परंपरा है ऐसी, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आजकल एक प्रचलन क्या चल रहा है टीवी चैनल्स पर, कि पिछले चुनाव के आधार पर इस चुनाव का आकलन करते हैं। 2019 में और 2024 में बहुत कुछ बदल गया है, और इस एक सप्ताह में बहुत कुछ बदल गया। इस एक सप्ताह में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो चुनाव आयोग को जो आंकड़े इलेक्ट्रोल बॉन्ड के दिए हैं, वो ये सिद्ध करते हैं कि चौकीदार ही चोर था। देश को लगातार बेचा जा रहा था, लगातार जो कंपनियां लॉटरी चला रही हैं, सट्टा चला रही हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी मोटा चंदा ले रही थी। जिन कंपनियों से चंदा ले रही थी उनको काम दे रही थी, उनको ठेके दे रही थी। अनजान कंपनियों को बड़े बड़े टेंडर दिए जा रहे थे, और जो कंपनियां बीजेपी को चंदा नहीं दे रही थी उनके घर ईडी और इनकम टैक्स भेजे जा रहे थे, सीबीआई भेजे जा रहे थे, उनसे डरा के वसूली की जा रही थी। कैंपेन चलाते हैं या इंडिया गठबंधन चलाता है, आपने चौकीदार चोरे का नाम लिया, फिर उसके बाद बीजेपी ने उसे अपना हथियार बना दिया, मैं भी हूँ चौकीदार, अब आपकी इंडिया गठबंधन के नेता परिवार पर हमला कर रहे हैं, तो फिर मैं भी हूँ मोदी का परिवार, ये आप भी जानते हैं। स्ट्रैटेजी तो आपको बनानी होगी ना चुनावों के लिए। स्ट्रैटेजी तो उजागर है, एक एक आदमी को पता चल गया कि चौकीदार ही चोर है। उद्योगपतियों से, पूंजीपतियों से डरा के वसूली की जा रही थी। हम इस भ्रम में थे कि मोदी जी सरकार चला रहे हैं, मोदी जी वसूली गैंग चला रहे थे, लोगों के घर जा जाके ईडी बैठ जाती थी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे हैं कि चुनाव के साथ आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं,
आप लोग इस मुद्दे के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे साथ नवीन गौड़ है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनसे भी हम ये सवाल रखते हैं। नवीन गौड़ साहब, दिल्ली में बहुत दिलचस्प मुकाबला दिखाई दे रहा है, एक तरफ तो कांग्रेस के साथ गठजोड़ है, वहीं आज जो चुनाव के ऐलान से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी हुई है, आप किस तरह से देखते हैं इन चुनावों को? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी इस बार बहुत ही नए प्रयोग के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंदी राजनीति पर उतर आई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी और जो भी शीर्ष नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो चुनाव प्रचार में ना आ सके, चुनाव प्रचार ना कर सके, इस प्रकार की गंदी राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी उतर रही है। भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है 400 पार का। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे यूपी में 80 में से 80 करेंगे। इनके वादे इतने बड़े बड़े होते हैं और ये चोरी करते हैं चार चार पांच पांच वोटों की चंडीगढ़ में जाके, इतने बड़े डकैतों के छोटी मोटी चोरी करना शोभा देता है इनको? बताइए, इतने बड़े ये लोग, इतना बड़ा चोरियों का गैंग चला रहे हैं। अगर आप देखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड में, ऐसा कैसे हो सकता है कि आज किसी कंपनी के ऊपर ईडी का छापा पड़ता है, दो दिन बाद तीन दिन बाद इलेक्टोरल बॉन्ड वो कंपनी खरीद लेती है, आज एक कंपनी पे छापा पड़ता है उसी महीने में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेती है भारतीय जनता। चलिए इसका जवाब राकेश त्रिपाठी से ले लेते हैं। राकेश जी, इस पर क्या रिएक्ट करेंगे? देखिए, बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साफ कह रहे हैं कि इन सभी मुद्दों के साथ हम चुनाव में जाने को तैयार हैं और बीजेपी को घेरेंगे। बहुत हास्यास्पद है रवि, ये बेल बॉन्ड पर रिहा लोग इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अभी अभी बेल बॉन्ड भर के आए, आपने बताया अभी अभी कि 15,000 के मुचलके पर अरविंद केजरीवाल छूटे हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में कस्बे खा रहे थे कि भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, आज आखिरकार कोर्ट के निर्देश पर जब कोर्ट का चाबुक पड़ा तो हाजिर होना पड़ा है। कह रहे थे राजनीतिक ये संबंध है, लेकिन आज रुक जाए, कंप्लीट करने दीजिए, संबंध आया तो हाजिर होना पड़ा। मैं दूसरी बात इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के स्पष्ट तौर पर कह दूं, मुझे लगता है कि इस बात की स्पष्टता, झूठ के पांव नहीं होते हैं, झूठ चल नहीं पाएगा आपका। आपने राफेल पर भी ऐसा ही झूठ बोला था, आपके सारे झूठ पर राफेल पर राहुल फेल हो गए थे। और मैं फिर आज कह रहा हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आप जो झूठ फैला रहे ना भाई, 6,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा को मिले हैं तो 14,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड विपक्ष को मिले हैं। ये विपक्ष बताए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बताइए फिर नवीन गौड़ साहब, ये विपक्ष को बताना चाहिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। और साथ ही राकेश जी ये भी पूछ रहे हैं कि वो दिल्ली शराब घोटाले में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर क्यों नहीं बोल रहे अरविंद केजरीवाल, समन का जवाब क्यों नहीं दे रहे अरविंद केजरीवाल, सिलेक्टिव क्यों है भ्रष्टाचार को लेकर, जबकि भ्रष्टाचार की मुहिम से ही उन्होंने सत्ता बनाई। मुझे लगता है इनको ना तो न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा है, मुझे लगता है ना ही इनको लोकतंत्र में भरोसा है। ये कैसे अभी कोई अभी अरविंद केजरीवाल पे उन पे हो गए अपना साबित? अरविंद केजरीवाल ने हर सम्मान सर, के बाद पूछा अब ये आप मत कहिए, अब ये आप मत कहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ऐसे ही होते थे, गुनाह साबित हुए बिना ही आप लोग हर रोज करते थे और देश के बड़े बड़े नेताओं पे आरोप लगाते, ये तो बड़ा बड़ा सहूलियत वाला लॉजिक हो गया। चुनाव से कुछ दिन पहले जब इस प्रकार की ईडी की रेड पड़ती है एक पार्टी, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छोड़कर, ठीक है, दूसरे सभी राजनीतिक, ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, चुनावी तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, सभी की नजरें इस पर है, राजनीतिक दलों की भी है, क्योंकि इसके बाद टू फोल्ड चुनावी प्रचार तेज हो जाएगा। लेकिन आज से आचार संहिता लागू हो रही है, इन कामों पर पाबंदी लग जाएगी। अब वो कौन से ऐसे काम है जिस पर पाबंदी रहेगी, आइए दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। सरकार कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती है तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो आपको ये बता रहे हैं कि आचार संहिता जब लागू होगी तारीखों का ऐलान होने के साथ ही, तो क्या क्या काम ऐसे हैं जिस पर पाबंदी लग जाएगी? पहला, सरकार कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती है। दूसरी जो बड़ी बात है, किसी योजना का उद्घाटन या फिर क्रियान्वयन नहीं हो सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात जो ये है कि कौन से काम में पाबंदी होगी, सरकारी कर्मियों का ट्रांसफर प्रमोशन नहीं हो सकेगा। इसके अलावा जो चौथी बड़ी बात है, प्रचार में सरकारी गाड़ी या फिर जो कर्मियों का इस्तेमाल है वो नहीं हो सकेगा। पांचवी बड़ी बात इसमें ये कि प्रचार में धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। छठवीं बड़ी बात, सभा या फिर रैली के लिए पुलिस से मंजूरी जरूरी होगी, अनुमति जरूरी है। सातवीं बड़ी बात, किसी व्यक्ति के घर, दुकान या फिर परिसर में बिना मंजूरी पोस्टर नहीं होंगे। तो ये आचार संहिता लागू होने के बाद इन काम में पाबंदी रहेगी।
चलिए कुछ और आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि इस चुनाव में, चुनाव के इस कह सकते हैं महाकुंभ में मतदाता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए हम 2019 और 2024 के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। 2019 की बात करें तो 89.6 करोड़ वोटर्स थे और 46.5 करोड़ पुरुष इसमें थे और 43.1 करोड़ महिला। अब 2024 के भी आंकड़े आपके सामने हैं, इसमें अब देखिए वोटर्स बढ़े हैं, 96.8 करोड़ वोटर्स हैं और इसमें महिलाओं और पुरुषों की बात करें तो 49.7 करोड़ पुरुष वोटर्स और 47.1 करोड़ महिला वोटर्स हैं। और देखिए ये तमाम जो मतदाता बढ़े हैं, इन मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने के लिए अब से ही चुनाव आयोग ने कैंपेन भी शुरू कर लिया है। पंकज जहां हमारे रोविंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि चुनावी तर्कस से एक तीर निकलने शुरू हो गए हैं चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से, आखिरी वक्त में अगर हम देखें, आखिरी वक्त में चुनाव के ठीक पहले क्या बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है इन दलों की, क्योंकि चुनाव के तारीखों के ऐलान और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न कल तक उठाए जाते रहे, क्या उन प्रश्नों पर विराम लग जाएगा तारीखों के ऐलान के साथ ही? लाइव है सर, लाइव। देखिए आज तारीखों का ऐलान हो रहा है, मैं जहां बिहार में गांधी मैदान जो बड़ा ऐतिहासिक है वहां मैं खड़ा हूं। और सबसे बड़ी बात देखिए, यहां दो तरह के गठबंधन है और एक एनडीए है, और दूसरी तरफ देखेंगे तो आरजेडी कांग्रेस वाली गठबंधन है जिसमें लेफ्ट पार्टीज भी है। अगर 2019 के चुनावों का हम अगर देखें तो पिछली बार एनडीए ने 39 सीटें जीत ली थी, कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी, आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन बदले हुए हालात में जिस तरीके से दो अलग अलग विचारधाराओं के गठबंधन है, लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद, हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का मूड क्या हो सकता है? इस बार चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत में आएगी। ऐसा क्यों? ऐसा कि उसका काम ही उसको पूर्ण बहुमत की ओर ले जाएगा। और दूसरी तरफ क्या लग रहा है, दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उनका क्या है? सर महागठबंधन का इसका कोई विज़न क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और ये नीतीश बाबू हैं और मोदी जी तो यहाँ आपसी गठबंधन बना लिए हैं, इनका तो फायदा होगा क्या? एकदम फायदा होगा। आपको क्या लग रहा है, आप भी तो कई बार वोट डाल चुके होंगे? हमको लग रहा है कि इस बार हम लोग को एक नया विकल्प की ज़रूरत है। जैसे नया विकल्प में हम लोग देख रहे हैं, पहले तो इन लोग का देख लिए, 17 साल नीतीश बाबू रहे, उसके पहले लालू जी रहे, आज तक बिहार बीमारू राज में गिनती आ रहा है, बेरोजगारी का हालत वही है। इसको तो एक बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। और जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से कल एक टीचर्स वाली भर्ती की जो बात थी उसकी भी पेपर लीक होने की चर्चा भी है, बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। और एक बार फिर से दो तरह के गठबंधन आमने सामने हैं, जो 2019 में थे वही 2024 में भी। बिल्कुल जनता से मुद्दे हैं पंकज, बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग घाट घाट की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कुछ लोग विकल्प भी खोज रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि जनता जनार्दन होती है और चुनती वो अपने नेता को है। पंकज चाहूंगे आपके पास, 2019 में किसको कितनी सीटें मिली, 2019 के आंकड़े आपको बताने इस वक्त जरूरी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए बिहार से इस वक्त पंकज थे, लेकिन हम पूरा आपको बता रहे हैं 2019 में किसको कितनी सीटें मिली ओवरऑल लोकसभा में। बीजेपी को 303 सीटें मिली जिसका वोट शेयर गया 37.7% तक। कांग्रेस को 52 सीटें मिली, समिट कर 52 पर आ गई, जिसका वोट शेयर 19.7 रहा। इसके अलावा डीएमके को 23 और वोट शेयर 2.3, टीएमसी को 22, वोट शेयर 4.1। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें मिली जिसका वोट शेयर रहा 2.6 और अन्य के खाते में 120 सीटें गई थी जिसका वोट शेयर कुल मिलाकर 33.6 रहा। विपिन चौबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी से। और क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीटें मिलाकर 120 लोकसभा की सीटें होती हैं, ये सबसे ज्यादा गणित है और यहीं से ही सत्ता तय भी होती है दिल्ली की। विपिन, अगर आपके साथ कुछ लोग हों तो जरूर बताएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का समीकरण अलग है, हर दल ये कोशिश में होगा कि 2019 के रिजल्ट को बदला जाए। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री ने अगर गृह राज्य के बाद देश के किसी राज्य को चुना तो उत्तर प्रदेश को चुना, क्योंकि वो इसके महत्व को जानते हैं। 80 सीटें हैं, 75 जिले हैं और देश में प्रधानमंत्री कौन होगा इसमें बहुत बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश अदा करता है, लिहाजा उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब जब पूरा देश चुनावी समर में कूदने जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में जो जोर आजमाइश है वो बहुत तेज है। और आप जानते हैं कि ना सिर्फ बीजेपी बल्कि उत्तर प्रदेश में काबिज होने के लिए और ज्यादातर सीटों पर कब्जा करने के लिए हर दल यहाँ कोशिश कर रहा है, लेकिन माहौल जो कहता है कि वो बहुत फेवरेबल बीजेपी के पक्ष में दिखता नजर आ रहा है, उसमें बहुत सारे कारण है। डबल इंजन की सरकार हो,
काम किए गए हैं, तमाम क्षेत्रों को छूने की कोशिश की गई है और राम मंदिर का भी इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश इस समय बहुत ज्यादा आप समझ सकते हैं कि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और इसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज बेशक कोशिश कर रही हैं। ये तो प्रचलित कहावत है चुनावी राजनीति में कि केंद्र का जो रास्ता है वो लखनऊ से होकर जाता है यानी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और हर बार हम ये दोहराते भी हैं और हर बार ये बात साबित भी होती है। लौटेंगे विपिन आपके पास और देखिए 25 साल में कैसे बदला है चुनावी गणित। जरा कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम नजर डाल लेते हैं। देखिए लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के जो साल है वो हम आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको हम ये भी बता रहे हैं कि कुल वोटर्स जो हैं वो कैसे कैसे इसमें बढ़ते चले गए, करोड़ की संख्या में, वो डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं। चाहे 1999 के चुनाव 1999 के हों, 2004 के हों, 2009 के हों, 2014 के हों, 2019 के हों, हर चुनाव दर चुनाव देखिए आप वोटर्स की संख्या बढ़ी है और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो चुनाव आयोग के सामने होती है कि इन मतदाताओं को बूथ तक लाना। तो देखिए 1999 की बात करें कुल वोटर्स इसमें 61 करोड़, 2004 में 67, 2009 में 71, 2014 में 83, 2019 में 90 करोड़। वोटिंग प्रतिशत भी देख लीजिए 1999 में 60%, 2004 में 58, 2009 में 58 और 2014 में ये वोट प्रतिशत बढ़ता है 66 और 19 में और बढ़ता है 70 और दोनों में नरेंद्र मोदी की जीत होती है। उम्मीदवारों की बात करें 4648 उम्मीदवार 1999 में मैदान में थे, 2004 की बात करें 5435, 2009 की बात करें इसमें सीधे लगभग दुगने 8070 उम्मीदवार, 2014 में 8251 और 2019 में 8039। पार्टियों की बात करें नंबर्स ऑफ पार्टी जिन्होंने चुनाव लड़ा 1999 में 169, 2004 में 230, 2009 में 363, 2014 में 464 और 2019 में 669। यानी आप देखिए पार्टियों की भी संख्या बढ़ी है। चुनावी खर्च देखिए 1999 में 947 करोड़, 2004 में 1016, 2009 में 1114, 2014 में 3870 और 2019 में 7000 करोड़। यानी चुनावी खर्च जो है वो बड़े स्तर पर बढ़ा है और जबरदस्त तरीके से इन चुनावों में बढ़ता ही जा रहा है, बावजूद इसके कि चुनावी खर्च को सीमित करने की बात चुनाव आयोग लगातार करता रहा है। प्रीति हमारे साथ इस वक्त जुड़ी है वाराणसी से, जरा वाराणसी का मूड बताइए प्रीति, वहां लोग कैसे इंतजार कर रहे हैं चुनाव की तारीखों का, ऐलान का, और बनारस कैसे देख रहा है इस बार के चुनाव? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं वाराणसी में मौजूद हूं और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। कुल 80 सीटों में यहां पे 15.5 करोड़ वोटर्स हैं यहां पे, और यहां पे इस समय वाराणसी में बहुत सारे लोग यहां पर इकट्ठे हैं बात करने के लिए, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वाराणसी की लोगों का क्या मूड है इस बार, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है और जो दिल्ली का जो रास्ता जाता है वो उत्तर प्रदेश से होता हुआ ही जाता है। इन्हीं लोगों के पास चलते हैं। बताइए किन मुद्दों को लेकर इस बार आप लोग जाने वाले हैं वोट करने के लिए और कितना अहम हो जाता है इस बार? देखिए मुद्दा तो अब कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन हाँ देश को खुशहाल बनाने के लिए, देश को शांतिमय लाने के लिए मोदी जी को लाना बहुत ही जरूरी है, यही एक मुद्दा बचा हुआ। आप बताइए आपका क्या कहना है? देखिए जिस चीज के लिए हम लोगों ने माननीय मोदी जी को पिछली बार वोट दिया था और जो उनके मैनिफेस्टो में था और उन्होंने जो बोला, जैसे हमारा राम मंदिर हो गया, धारा 370 हो गया, तो जो उन्होंने बोला उन्होंने कर दिखाया और बोला उन्होंने वो कर दिखाया ही। बताइए अंकल आप क्या कहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है, किन किन मुद्दों को इस बार आप लोग आगे रखेंगे जब आप वोट डालने जाएंगे, तो क्या चल रहा है? देखिए मोदी का कोई विकल्प नहीं है देश में भी, और काशी के लिए सौभाग्य है कि हम लोग को मोदी जी जैसा नेता मिला, क्योंकि आज़ादी के बाद यहाँ कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुआ। जो अंग्रेजों ने जैसा छोड़ा था बनारस को वैसा ही है, मोदी जी ने व्यापक परिवर्तन किया है और हम लोगों को उम्मीद है कि इस बार अगर वो आते हैं जो कि अवश्यंभावी है तो बनारस का और विकास होगा और क्या मुद्दे का भला मुद्दे होगा। क्या रहेंगे इस बार आप लोगों के, बहुत अहम हो जाता है वाराणसी? नहीं, वाराणसी तो अहम है ही है क्योंकि ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है और इसके पहले जितने भी यहाँ प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं कोई पहले वाराणसी संसदीय सीट से हुआ नहीं था, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो वाराणसी संसदीय सीट से हुए हैं और इसका जो है विकास हुआ है वाराणसी के साथ साथ देश का, इन लोगों का कहना है आप क्या? जी बड़े उत्साह का माहौल है पूरे देश में, खासतौर से काशी की नगरी में,
मोदी जी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उस विश्वास के साथ पूरे बनारस की जनता बिल्कुल उनके प्रीति साथ लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं कि वाराणसी में व्यापक परिवर्तन हुआ है। जैसा कि प्रीति बता रही है संसदीय सीट है प्रधानमंत्री मोदी की और इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी सीट से ही है, तो ऐसे में लोगों की उम्मीदें और ज्यादा चौगुना बढ़ गई है। बहरहाल हम रविशंकर दत्ता के पास चलते हैं जो हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल एक ऐसा महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर बीजेपी ने पहले संघर्ष किया 2019 में, लेकिन एक जो नतीजे सामने आए उसके बाद ये परिणाम के रूप में आगे बढ़ी बीजेपी की, शायद इस बार और ज्यादा कमाल हो सकता है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला है। रविशंकर दत्ता, वहां किस तरह का मूड है कोलकाता की जनता का? हाँ देखिए, अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो सबसे चिंता की बात है, ममता बनर्जी का तबीयत अभी उतना भी ठीक नहीं है क्योंकि हाल ही में उनका साथ एक एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोग यहाँ पे हैं, थोड़ा उनके साथ बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं चुनाव को लेके वो क्या कहते हैं। सामने चुनाव आ रहा है दादा, सामने चुनाव आ रहा है, क्या कहेंगे क्या क्या चिंता है चुनाव को लेकर? पश्चिम बंगाल में क्या मुद्दा होना चाहिए, संदेश खाली मुद्दा है इस बार? हाँ है। आपके वोट उस पे इफेक्ट होगा? नहीं होगा। अच्छा चलिए, यहाँ पे और कुछ लोग हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, यहाँ पे दुकान में बैठे हुए हैं इनके साथ भी बात करते हैं, हमारे साथ बहुत देर से बात करने की कोशिश कर रहे थे, ये पूछ रहे हैं संदेश खाली इस बार मुद्दा होगा चुनाव में, आज चुनाव का रिजल्ट घोषणा होने वाला है। मुझे नहीं पता कि पब्लिक डिसीजन लेकर के क्या करेगा, आप भी तो वोट देंगे। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, उस समय जब मैं वोट देने जाऊंगा उस समय जो परिस्थिति होगी उसके अनुसार मैं वोट दूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके क्या कह रहे? नो कमेंट्स। रविशंकर, तो देखिए अलग अलग राज्यों से हम लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप आज टीवी 9 भारतवर्ष के साथ बने रही क्योंकि सबसे बड़ी राय इस ओपिनियन पोल में भी हम रखने वाले हैं आपके सामने। रंजीत जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पूरे मामले में कि हमने ये देखा कि राहुल गांधी की यात्राएं लगातार चलती रही हैं, अगर हम देखें कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी है कई सारे घटक दल जो सहयोगी थे वो छिटक गए, आप मानते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी थी यात्रा की इससे चुनाव में वोट के रूप में सीट के रूप में फायदा होगा कांग्रेस को? देखिए मणिपुर से जिस दिन से यात्रा शुरू हुई बीजेपी के पांव तले जमीन खिसकनी शुरू हुई और यही कारण है कि जैसे भी हो तोड़ो जोड़ो दूसरे पार्टी से लोगों को लाओ इस अभियान में यह लग गए। जिन लोगों को दो दिन पहले तक ये सबसे भ्रष्ट कहते थे उन लोगों को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया, तो वो क्या नतीजा बताता, वो ये बताता है कि उस यात्रा से इनमें भय उत्पन्न हुआ। और चूंकि मैं खुद भी यात्रा में शामिल रहा, आपको बता दूं कि जब बिहार में यात्रा का प्रवेश हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि पूरे जिले के लोग सड़कों पर आ गए। सर मैं आऊंगी आपके पास और जो हमारे साथ डेटा मोशाए हैं जो सारा कैलकुलेशन बता रहे हैं कि जो 12 बजे आज टीवी 9 भारतवर्ष का ओपिनियन पोल आने वाला है पार्था, उनके पास चलते हैं, उनके पास कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो बताना चाह रहे हैं कि इस बार ये ओपिनियन पोल क्यों खास है दोपहर 12 बजे। ओवर टू यू पार्था। नहीं देखिए, काफ़ी मेहनत करके जो पोलस्टेट वाला एजेंसी कर रहे हैं तो काफ़ी मेहनत करके तो ये कर रहे हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का सैंपल लिया है, बहुत बड़ा सैंपल है तो शायद गलत होने का जो चांसेस है वो बहुत कम है, तो ये बोलना चाहता हूँ। और साथ में पुराना डेटा, पास्ट डेटा, कास्ट डेटा लेकर उस हिसाब से एक प्रोपोर्शनेट एक डेटा लिया है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है ये वाला जो इतना जो 2 लाख का ऊपर सैंपल है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब हर स्टेट से इतना सैंपल लिया, हर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी हर असेंबली से सैंपल लिया गया, तो इसलिए मुझे लग रहा है ये वाला जो ओपिनियन पोल आने वाला है ये काफ़ी हद तक सही नतीजे जाएंगे। लेकिन अभी भी आप समझ लीजिए 1 महीने बाद इलेक्शन होगा, 1 महीने बहुत बड़ा टाइम है इलेक्शन में, कुछ चीज़ बदल हो सकता है, कुछ चीज़ आगे पीछे हो सकता है, तो ये जो सिनेरियो होगा वो शायद आज का दिन में अगर इलेक्शन होगा तो किस डायरेक्शन में इलेक्शन होने जा रहे हैं वो डायरेक्शन बहुत क्लियर हो जाएगा। नंबर्स बता दीजिए पार्था, जो आपके पीछे हम देख रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के नंबर्स हैं, 80 लोकसभा सीटें आती है, तो नंबर समझा दीजिए क्यों इस बार चुनाव अलग है। नहीं देखिए, मेन जो चीज़ है ये पुराना डेटा है, तो ये पुराना डेटा में अगर आप देखेंगे जो 2014 2019 में क्या हुआ था,
तो देखिए कुछ पैच आपको दिखाई देगा, जो इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें अभी भी पैच दिखाई देगा। ये देखेंगे, ये 2019 का अगर हम लोग देखेंगे 2019 का, तो आप देखेंगे एक पैच आया था उस टाइम में BSP SP RLD एक साथ था। तो ये एक सेगमेंट में आप अपोजिशन अच्छा किया था और ये एक सेगमेंट में अपोजिशन अच्छा किया था। बाकी सेगमेंट में आप देखेंगे जो BJP ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। अभी देखिए अलायंस का सीनेरियो भी अलग है। आप इस एरिया में देखिए BSP नहीं है SP के साथ, तो BSP का वोट शेयर UP में किधर शिफ्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। BSP का अभी भी 10-12% वोट शेयर है BSP का, वो BSP रख पाएगा ये नहीं रख पाएगा, वो वोट क्या BJP में शिफ्ट होगा, ये वो वोट SP और कांग्रेस में शिफ्ट होगा देखना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग देखिए SP का जो लिस्ट आ रहा है, SP इस बार जनरल सीटों में भी SC कैंडिडेट डाल रहा है, जैसे मेरठ में डाला है, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है जे ये देखिए ओवरऑल तो अपोजिशन के पास एज सच अभी तक एक प्राइम मिनिस्टर फेस नहीं है, तो क्या है जातिगत नंबर का बेसिस में अपोजिशन UP में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल पार्था, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीसरा चुनाव होगा जब समाजवादी पार्टी BSP या कांग्रेस के सामने ये चुनौती होगी कि BJP को उत्तर प्रदेश में कैसे रोका जाए, क्योंकि कुल मिलाकर पिछले दो चुनाव में BJP ने ज्यादा सीटें हासिल की थी और उसको रोकने में पार्टी ने जो भी एडजस्टमेंट किया उसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी मेहमानों का, हमारे सहयोगियों का इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए।